अमेरिका फिर यहां पर ताइवान के साथ खड़ा है, वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाता है, तो क्या रशिया इसी बहाने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जैसे रूस जैसा बड़ा देश जब यूक्रेन के साथ अपनी सरहद की सुरक्षा कर रहा था, तब अमेरिका ने यूक्रेन से रूस पे हमला करवा दिया, तो क्या वैसा ही कुछ चीन और ताइवान के संदर्भ में भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या पुतिन? विनय जी, क्या आपको लगता है कि यही कोशिश है वहां पर पुतिन की दुनिया को ये बताने की, क्योंकि ये कहा गया कि यूक्रेन टेस्टिंग ग्राउंड है, यहां कुछ ऐसा हुआ और रूस जीतता है तो चीन अटैक कर देगा ताइवान पर? जी नहीं, बात ऐसी है कि आप ये देखिए नक्शा, 3/4 जो है रूस वो एशिया में है, आप कॉकेशस से लेके जहाँ पे आप तुर्की, अभी हाल में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वो हो रहा था, युद्ध हुआ है, और ईरान है उधर आगे चलते, वो सब उसके सॉफ्ट वैली रशिया की है, मतलब के बहुत सेंसिटिव इलाके हैं, एशिया में है वो, और क्योंकि नॉर्थ, उन्होंने ये कहा है कि नॉर्थ साउथ नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का जो बहुत साल पहले से था, और वो सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, अभी मुझे बताया जा रहा है कि हिमांशु जो पोलैंड से हमारे साथ है उनको, क्योंकि बाइडेन की जो वहां पर इस वक्त मीटिंग है, जो उनके एंगेजमेंट है उनमें उनको जाना है, तो हिमांशु प्लीज हमारे दर्शकों को जाने से पहले बताइए बाइडेन का यहाँ से क्या प्रोग्राम है और आगे क्या बड़ी खबर आ सकती है पोलैंड से बाइडेन के इस दौरे के बाद? जी बिल्कुल, जो बाइडेन कुछ ही देर में आपसे बोलने वाले हैं यहाँ पे, एड्रेस करेंगे जनता में, जो कि एक पब्लिक इवेंट होने वाला है, मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे, कभी भी और बारिश यहाँ पे हो सकती है, लेकिन उसके बाद आज ये बेसिकली पोलैंड के प्रेसिडेंट आंड्रेज दुदा के साथ रहेंगे और अपना स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है बुकारेस्ट 9 करके, जिसमें बेसिकली ईस्टर्न फ्लैंक है जो कि नेटो का, जिसमें बुल्गेरिया आता है, चेक रिपब्लिक आता है शायद, और लैटविया आता है, इस टाइप की कंट्रीज के मिनिस्टर्स के साथ मिलेंगे, तो एक क्लियर इंडिकेशन ये दिख रहा है कि ये वॉर जो है वो एस्केलेट होती चली जा रही है, एक साल हो चुका है, क्या हम उससे सिचुएशन बेटर हुई है? नहीं, सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, और जिस तरीके का अमेरिका ने ऐलान किया है $500 मिलियन का, इसके हिसाब से यही पता चलता है कि इसका कोई खत्म होने का भी कोई चांस दिख नहीं रहा है, इनफैक्ट और ये एस्केलेट कर सकती है। थैंक यू हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका, आपके आप जब बाइडेन के जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपसे फिर बात करेंगे, और जो बाइडेन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो भी हम दिखाएंगे, बाइडेन की स्पीच हिंदी में।